जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का निकट में स्वागत है। और दोस्तों, आज जैसे कि आपकी डिमांड थी कि स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ शुरू किए जाएं, तो आज हम 3 से 4 स्टेट और यूटीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तब तक एक बार कमेंट करके आप मुझे बता देंगे कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्या प्रॉपर हम देख पा रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है सुनने में या देखने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने अल्फाबेटिकल शुरू किया है। आज हम शुरू करेंगे अंडमान निकोबार से, और उसके बाद एक एक करके थोड़ी बहुत थियरी पे बात करेंगे 2 से 4 मिनट, और उस पर जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। 30-30, 40-40, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले में 70-80 क्वेश्चन में बन सकता है एक स्टेट पर, ताकि वहाँ से 2-4 क्वेश्चन कवर हो जाए, लेकिन बाकी वाले पर हम थोड़े से कम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन किस पे बनेंगे। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलें, सबको जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते कर रहे हैं। हाँ, सुन पा रहे हैं, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। चलें, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला थियरी बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स भी हम एक एक घंटे लगभग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन शॉर्ट डिस्कस करके हमारा बात बन जाए। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, और ये हमारे बे ऑफ बंगाल में अवस्थित है, और इसमें एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, जहाँ पर कह सकते हैं कि एक्टिव वोल्केनो है, और म्यांमार इसका नेबरिंग कंट्री बोल सकते हैं, और सुमात्रा आइलैंड भी इसके नियर बाई है। इसकी स्थापना का दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर 1956। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर, सॉरी अंडमान निकोबार को कब स्थापित किया गया है, कब उनका फाउंडेशन डे होता है, तो 1 नवंबर को होता है। इनका जो कैपिटल होता है वो क्या है साथियों, तो इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, है ना। और ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में लगभग सभी की हिंदी और इंग्लिश है, स्पोकन लैंग्वेज हम सारे ही तो बोलते हैं, तो हमने कुछ मेन मेन जो वहाँ पे बोले जाते हैं, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, निकोबार, इस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये अपने टूरिस्ट स्पॉट के लिए काफ़ी फेमस है, अपने पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है। ये पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर 3,80,000 लोग रह रहे हैं, और मेल लगभग 2,02,000 लोग हैं, और फीमेल 1,77,000 के आसपास हैं। अब यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि इनका फर्स्ट गवर्नर कौन था। आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं हम इनको, और यूटीज में कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास थोड़े लिमिटेड पावर होते हैं। तो मित्रों, फर्स्ट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार तो कौन था, मनोहर लाल कंपनी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार। ये अभी याद रखिएगा, अभी आपके एग्जाम में आएगा। हमने दे जरूर दिया है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अंडमान वाज बैरन्स पिकॉक, लेकिन रमेश चंद्रा वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन जज, ये हमारे लिए जरूरत नहीं है। इनकी एरिया कितना किलोमीटर है, तो इनका एरिया लगभग 8,246 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। चीफ जस्टिस वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, हाँ सीएम या गवर्नर पूछा जा सकता है, लेकिन मैं उम्मीद ये नहीं करता हूँ कि आप सारे स्टेट के फर्स्ट सीएम या गवर्नर याद कर पाएंगे, लेकिन पूछने को पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट एरिया इनके पास काफी अधिक है, और ये 86% ने लगभग 87% इनके पास फॉरेस्ट है, तो ये नेचर के काफ़ी नज़दीक हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ग्रीनरी इनके पास है, इनके पास बायोडाइवर्सिटी है। इनका बॉर्डर किससे किससे मिलता है, तो ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है, और इनके बे ऑफ बंगाल इनके वेस्ट में है, और साथियों अंडमान सी इनके ईस्ट में है। मतलब मान लो हम ऐसे बनाएं तो ये
तो बे ऑफ बंगाल और ये इनका अंडमान सी, तो ईस्ट वाले पोर्शन में है। और जो इनकी कैपिटल है वो साउथ अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है, साउथ अंडमान में। ये क्वेश्चन वैसे भी ज्योग्राफी में पूछता है। डांस फॉर्म इनका कई सारा है, जो मेन डांस फॉर्म है वो हमने एक आपके सामने रखा है, निकोबारीज। ट्राइब्स काफी यहाँ से पूछे जाते हैं, सोमफेन, अंडमानीज, ओंगने, ओंगे। जारवा इज द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट ट्राइब का दर्जा इनको प्राप्त है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे पुराना जनजाति किस जगह पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पुराना जनजाति जो है अंडमान निकोबार में, और यदि स्पेशली पूछ ले कि सबसे भारत का सबसे पुराना ट्राइब का दर्जा किसे प्राप्त है, तो सबसे पुराने ट्राइब का दर्जा जारवा को दिया गया है। और इनके पास नेशनल पार्क कितने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो ये थोड़ा सा आपको एक बार एक नजर देखना होगा। कैंपबेल नेशनल पार्क आ चुका है एग्जाम में, गलाथी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कितनी बार तो आ चुका है, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क आ चुका, माउंट हेरियंट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क आ चुका है, सैडल पीक नेशनल पार्क, हाईएस्ट पीक वैसे भी अंडमान का ही, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क यहां पर हैं। चले, ये मुझे लगता है ये किसी और स्टेट का आ गया है, ऊपर वाला ही याद रखना है आपको। वर्ल्ड सेंचुरी मुझे लग रहा है हिमाचल का आ गया है शायद, बाकी लोग बता सकते हैं। वर्ल्ड सेंचुरी यहां पर कौन सा है, कितने नेशनल पार्क हो गए, ये भी हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नेशनल पार्क हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारे पास चली, चुड़दर, दंगाती नेशनल पार्क, धौलाधर, गोमल, इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो इसको अभी नहीं टच करेंगे, सीधा हम एमसीक्यू पे ही चलेंगे। इनलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंटरव्यू आइलैंड सेंचुरी, लैंडफॉल आइलैंड सेंचुरी, वेस्ट आइलैंड सेंचुरी, चैनल आइलैंड सेंचुरी, महात्मा गांधी मैरिन सेंचुरी रिपीट हो गया है। हाँ, अब यहां पर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा टाइम तो मेरा लग गया था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही बनाने में, तो ये मिस्टेक रह गया शायद। फेमस स्टेडियम कौन सा, नेताजी स्टेडियम पोर्ट ब्लेयर में है, यह आ चुका है, मल्टीपर्पज स्टेडियम के रूप में जाने जाते हैं। सेलुलर जेल आप जानते हैं साथियों कि 1896 से बनना शुरू हुआ और 1906 में जाकर के पूरा हुआ, ये लगभग 20 साल लग गए इसको बनने में। और बताते हैं लगभग, या और ये ऐसा नहीं कि मजदूरों से बनवा रहे थे, ये बंदियों से, जेल में कैदियों से ही बनाया जाता था। पर्पज ये था कि वे लोग, इनको काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं, वे लोग जो ज्यादा बड़े अपराध करेंगे, अपराध का मतलब क्या था, जो ज्यादा आंदोलन में एक्टिव हिस्सा लेंगे, उनको यहाँ पर डाला जाएगा। वीर सावरकर के लिए जेल फेमस है, कभी कई बार आप टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी वहां पे घूमने जाते हैं। सेलुलर जेल, हैवीलॉक आइलैंड, सिल्वर सैंडी बीच आ चुका है, कहां पर है, सरपटाइन, मैंग्रोव लाइंस ग्रीक, मैरीन म्यूजियम, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे के सारे इस तरीके के भी क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है कि कौन सा टूरिस्ट स्पॉट कहां पर है। गांधी पार्क, नॉर्थ वे, बाइपर आइलैंड, रोज आइलैंड, रेड स्किन आइलैंड, कॉर्बिन कोव, किनक्यू, निटिल अंडमान, ये तो आप जानते ही हैं, डिगलीपुर। और रिवर्स कौन कौन से हैं ये हमें जानना चाहिए। कैपलोंग रिवर है यहाँ पर, और साथियों गलाथिया रिवर है यहाँ पर, और डेगमार रिवर है। वाटरफॉल कौन कौन से हैं, बिम्बरले गुंज वाटरफॉल, विस्पर वेव्स वाटरफॉल, वाइट सर्फ वाटरफॉल। तो ये मुझे लगता है कि आपको याद करना चाहिए। अब ये देख करके पढ़ाने का या पढ़ने का कोई फायदा ना हो तो सीधे बताएं, हम एमसीक्यू पे चलेंगे। और यदि आपको लगता हो कि हाँ ठीक है एक बार रिकॉल हो जाए, तो दोनों तरीके से आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा तरीका ठीक रहेगा। हालांकि एमसीक्यू अब शुरू कर रहे हैं, विंडबर्ली, विस्पर और वाइट सर्फ। तो विस्पर हम सब ब्रांड जान रहे हैं, वाइट सर्फ हम जान रहे हैं, विंडबर्ली ब्रांड जान ही रहे हैं, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना होगा।
और एयरपोर्ट एकमात्र इनके पास एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में, और हाइड्रो पावर प्लांट इनके पास केलपोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, वीर सावरकर वाला भी आ चुका है और केलपोंग वाला भी आ चुका है। अब यहां पर हम एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं, एमसीक्यू हम देख लेते हैं यहां पर एक बार, बताओ फिर एमसीक्यू लगवाओ। ओके, अंडमान निकोबार कब बना था? अभी हमने बताया था कि अंडमान निकोबार वाज ऑफिशियली ऑथराइज एज ए यूटी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इस डेट को बनाया गया था। चल दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार? तो आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार का कैपिटल यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, और बाकी ईटानगर कवरत्ती पणजी आप सबके जान ही रहे हैं कि किसका कहाँ पे कौन सा है। अंडमान निकोबार का फॉरेस्ट एरिया कितना, अभी हमने बताया था कितने परसेंट वहाँ पर फॉरेस्ट है, तो हमने बताया था लगभग 86.93 यानी लगभग 87% के आसपास इनके पास फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। अब जैसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब ऑफ अंडमान, तो अभी हमने पढ़ा था ओंगे पढ़ा था जारवा पढ़ा था, और जारवा हमने बताया था कि सबसे पुराना ट्राइब है यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ट्राइब यहाँ पर नहीं है, विच ट्राइब इज नॉट इन अंडमान निकोबार, ये बता सकते हैं आप, जल्दी बताइए कौन सा अंडमान निकोबार में ट्राइब नहीं है, बताएं जल्दी से। बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है, सभी लोग मलमिश बता रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार, पहला डिप्टी गवर्नर कौन था, अभी हमने बताया था पहला डिप्टी गवर्नर कौन था, तो मनोहर एल कांपिल कंपनी हमने बोला था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। चलो हाउ मेनी नेशनल पार्क इन अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कितने नेशनल पार्क, अभी हमने आपकी संख्या काउंट करके बताई थी कुल कितने थे साथियों, 9 नेशनल पार्क आर लिस्टेड इन अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कुल 9 नेशनल पार्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज द वंदूर नेशनल पार्क, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को वंदूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, विच नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज वंदूर नेशनल पार्क, किस नेशनल पार्क को हम वंदूर नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं, तो कौन से साथियों, तो एमजी महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज वंदूर नेशनल पार्क, और कहां पर, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का कुल एरिया कितना, अभी हमने बताया था कि इनका इस कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, तो 8249 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, फास्ट हो रहा तो बता देंगे थोड़ा सा हम स्पीड को कम भी कर लेंगे, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, हालांकि हमारे पास एग्जाम के लिए टाइम कम है, सिर्फ 30 डेज है, तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट रख सकते हैं, बाकी आपको दिक्कत होगी तो हम इसको कम भी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी ऑफ अंडमान निकोबार इज नोन एज अ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य खारे पानी के मगरमच्छ के रूप में भी जाना जाता है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल खारे पानी के मगरमच्छ के रूप में फेमस है, कौन सा है यहां पर, यह आपको बताने की जरूरत है, बताइए कौन सा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, जी जीके के पॉइंट व्यू से, स्टेट के पॉइंट व्यू से नहीं है ना, तो यह है साथियों लोहर बैग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोहर बैग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह आपको याद रखना है। चलो विच वन इज द मल्टीपर्पज स्टेडियम, अभी बताया था एकमात्र स्टेडियम या मल्टीपर्पज स्टेडियम कौन सा था, नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, नेताजी स्टेडियम के नाम से जान रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज अ रोज एंड स्मिथ, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल रॉस एंड स्मिथ के नाम से जाना जाता है, विच टूरिस्ट स्पॉट इज नोन एज रॉस एंड स्मिथ के नाम से, यह आपको बताना होगा, हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड, डिगलीपुर आइलैंड, लिटिल अंडमान, यह आपको बताना होगा कि कौन सा
लिटिल कौन सा जाना जाता है, किसे? तो इट इज नोन एज द दिगलीपुर, पर्यटन सर रॉस एंड स्मिथ के नाम से, दैट इज द दिगलीपुर। क्या आपको लिख लेना होगा ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो। गुरुकुल कब से ओपन हो रहा है? गुरुकुल 20 तारीख से ओपन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, क्योंकि इस बार थोड़ी सीट ज़्यादा दी है, 45 दी है, अलग जगह उतना है नहीं। जारवा ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट? अभी हमने बताया था जारवा ट्राइब सबसे पुराना ट्राइब किस स्टेट में पाया जाता है, किस सिटी में पाया जाता है, तो किस स्टेट या यूटी में पाया जा रहा है साथियों, किस स्टेट या यूटी में मित्रों? अंडमान एंड निकोबार, ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क इज फाउंड इन विच स्टेट? अभी बताया था मिडिल बटन भी वैसे आप जानते हैं कहां पर है, और ऐसे नेशनल पार्क पूछ लेता और अच्छी बात। तो कहां पर साथियों? अंडमान निकोबार, और क्वेश्चन भी अंडमान निकोबार कर रहे हैं। अभी फिर वही क्वेश्चन, रॉस एंड स्मिथ के नाम से किसे जानते हैं हम? तो रॉस एंड स्मिथ को हम किसे जान रहे हैं, किसी अभी हमने सीखा था दिगलीपुर के नाम से जान रहे हैं। चल क्वेश्चन रिपीट है। वैरन आइलैंड, वैरन द्वीप किस यूटी में है? जानते हैं एक्टिव वोल्केनो भी पाया जाता है वैरन आइलैंड में। चल कैसे आ सकते हैं गुरुकुल में? गाड़ी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन अंडमान निकोबार? निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार में नहीं है? हम आपको क्लू दे देते हैं, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये 1983 में एस्टेब्लिश किया गया, बेलगांव में है। अब तो बता दीजिए, बताइए कौन सा साथियों? गुरु घासी घासीदास नेशनल पार्क। क्या आप सबके जवाब सही है क्या? यस गुड। अंडमान निकोबार को कौन सा कोड मेंटेन करने का कार्य करता है? आप जानते हैं कि लगभग पहले 7 थे, अब 6 हाईकोर्ट ऐसे हो गए जो 2 या 2 से अधिक राज्यों को कवर कर रहे हैं, तो उसमें से एक सब भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। अब समझ जाइए, है ना, पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने अपना सिटिंग बेंच भी बना रखा है। तो कौन सा साथियों? कोलकाता हाईकोर्ट। द अंडमान सी इज लाइट द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान सी अंडमान के किधर है? तो हमने बताया था कि अंडमान सी जो है वो अंडमान के किधर है, ईस्ट में है, और जो इंडियन ओशियन है वो किधर है, वेस्ट में है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अंडमान निकोबार किधर पड़ेगा, सॉरी अंडमान सी किधर पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा। क्लियर है क्या? यदि हाँ तो आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या ये स्टेट वाला सीरीज चलाएंगे क्या, या एमसीक्यू चलाएं, आप बता दीजिएगा। अल्टीमेटली आपको फायदा होना चाहिए, मेरे से पूछेंगे तो स्टेट वाले से चलाने से आपका पूरा का पूरा जीके रिवाइज हो जाएगा, और यूट्यूब पे है भी नहीं, मतलब किसी ये मैं डेली खुद पेड करके सारे क्वेश्चन बनवा रहा हूँ स्टेट के। जो लोग 45 डेज वाले 45+ वाले प्लान में है उनको पता होगा कि इस पर किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो जरूरत के नहीं थे वो हटा दिए, है ना। चलिए मित्रों, द अंडमान एंड निकोबार आर सबमर्ज पार्ट ऑफ द माउंटेन रेंज इज नोन एज, यस किस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है ये? जलमग्न भाग कौन सा है, किसका पार्ट है? तो किसका पार्ट है साथियों? अराकाम योमा। चलिए यस, प्रश्न है कि बीडी सावरकर जी को 1911 में लाइफ टाइम प्रिजर्वमेंट के लिए जेल में रख दिया गया, बाद में उनके व्यवहार से उनको छोड़ दिया गया, तो किस केस के मामले में उनको भेजा गया था, है ना। हम बता देते हैं, ये केस 1909 में हुआ था, जहां पर उस जगह के कलेक्टर एमटी जैक्सन को गोली मार दी गई थी, और इस का पूरा नाम इन पे आया बीडी सावरकर पर, क्योंकि इन्हीं की संस्था का मेंबर था, अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य ने, जिनका नाम था लक्ष्मण कान्हेर, लक्ष्मण कान्हेर ने मारा था। तो कौन सा केस, तो कौन सा केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी, नासिक के क्या कहते हैं डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जैक्सन, उनको गोली मार दी थी, प्राइज अवार्ड सेरेमनी चल रहा था, मारा सीधे। चल
सेलुलर जेल को और किस नाम से जानते हैं? सेलुलर जेल बना ही था इस बात के लिए कि जो एक बार चला जाए तो मतलब दोबारा जिंदगी की उम्मीद ना करे। ऑक्टोपस के शेप में है ये, है ना। लगभग 20 साल लगा दिए थे हम इसको बनाने में। चल, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर हुई थी, है ना। आप जानते हैं कि लॉर्ड मेयो को शेर अली ने मारा था। लॉर्ड मेयो कई चीजों के लिए फेमस है। लॉर्ड मेयो भारत में पहली बार सेंसस की गणना के लिए फेमस है। लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत कराने में उसका श्रेय जाता है। तो क्या नाम था उसको ने जिसने मारा था? उसका नाम में ही बेहतरी है, शेर अली। एकमात्र गवर्नर को हमने अंजाम तक पहुंचाया, दैट वाज लॉर्ड मेयो। थे किसी काम के नहीं, लेकिन लॉर्ड इनके नाम के आगे लगता था। पोर्ट ब्लेयर बीच पे समुद्र के किनारे मार दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार के पक्षी का नाम क्या है, स्टेट बर्ड का नाम क्या है? तो बता दो तो देख लेते हैं। हिंदी में हिंदी नहीं, इंग्लिश के हिसाब से बताएंगे, इंग्लिश के हिसाब से बताएंगे। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका साथियों। तो क्या है? अंडमान वुल पिजन, अंडमान वुल पिजन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन अंडमान निकोबार? ब्रस आइलैंड, चैनल आइलैंड, एरियल आइलैंड, देहंग पटकाई आइलैंड। बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों? देहिंग पटकाई नहीं है। कोई बताएंगे क्या कहां पर है ये, जल्दी से? ओल्डेस्ट ट्राइब? नहीं नहीं नहीं, ओल्डेस्ट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल ट्राइब हु इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट आइसोलेटेड पालियोलिथिक ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड? पालियोलिथिक पूरा पाषाण काल से संबंध किसका है? सेंटिलीज, ग्रेट अंडमानीज, जारवा, शैम्पेन। बताइए। यदि आप सेंटिलीज दे रहे हैं तो आप सही दे रहे हैं, इसके अलावा दे रहे हैं तो गलत है। ओल्डेस्ट ये जरूर है, लेकिन ये पूरा पाषाण काल से ही है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, अंडमान निकोबार, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार के आगे अगला यूटी या स्टेट उठाते हैं। ठीक तो है, फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों? कोई दिक्कत हो तो बता देना है साथियों, दोस्तों। एक मिनट, पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश भारत का एक साउदर्न स्टेट है, है ना, जिसकी स्थापना भारत में सबसे पहले किस बेस पर हुई थी साथियों? जिसकी स्थापना भारत में सबसे पहले हुई थी लैंग्वेज के बेस पर। हमने बताया था पोटी सर्वरामुल्लु एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि तेलुगु बोलने वाले लोग तमिल बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते, और उनके जिद की वजह से 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाया गया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य भारत में जहां पर पंचायत को पूर्ण रूप से लागू किया गया सबसे पहली बार। ऐसे पूछा जाता है कि पंचायत सबसे पहले कहां शुरू हुआ, तो आप बोलते हैं राजस्थान के नागौर में, लेकिन राजस्थान के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। लेकिन जब ये पूछा जाता है कंप्लीटली किस स्टेट में लागू हुआ, तब कंप्लीटली लागू हुआ आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से। और फिर इसी से अभी 2 जून 2014 को एक अलग राज्य तेलंगाना बना दिया गया। अभी जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी वो दे दी गई है तेलंगाना को। और जो आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसके पास 3 राजधानियां हैं, जिनमें से साथियों इन्होंने विशाखापट्टनम को अपनी कार्यकारी राजधानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया है, अमरावती को लेजिस्लेचर
कैपिटल विधायिका बनाए हैं और कुरनूल को जुडिशरी कैपिटल बनाए हैं। तो हमने कहा कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाए, अमरावती को साथियों लेजिस्लेचर विधायिका और विशाखापत्तनम को, मान लीजिए ऐसा पूछा जाए, एक पूछा जाए कोई ना कुछ दिया जाए, तो जहां से विधायिका का काम होता है उसी को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने अमरावती करना है विशाखापत्तनम, तो ये थोड़ा सा अलग है अपने आप में पत्तनम। ये चीजें आपको जाननी चाहिए, नहीं पता हो तो लिख लेंगे। और फिर मित्रों ये लगभग 204 स्क्वायर 275 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है ये, और इसका जो फॉरेस्ट एरिया है बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 22.46 किलोमीटर है। और इससे किस किस राज्य की बाउंड्री मिलती है वो हमें देखने की ज़रूरत है। तो किस किस राज्य की बाउंड्री मिल रही है साथियों, साउथ में ये मान लीजिए आंध्र प्रदेश हो गया और ये हमारा तेलंगाना हो गया, तो इधर हो गया साउथ में तमिलनाडु, साउथ वेस्ट में क्या हो गया कर्नाटक, छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता ध्यान रखना, और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता है। तो कितने स्टेट, 1, 2, 3 और 4, चार स्टेट से मिल रहा है। कौन सा किस दिशा में आपको दिख रहा है, तो इसी को हमने एज इट इज यहाँ लैंग्वेज वाइज लिख दिया है कि बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट तमिलनाडु इन साउथ, कर्नाटक टू द साउथ वेस्ट एंड तेलंगाना टू द नॉर्थ वेस्ट एंड उड़ीसा इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपको याद रखना है, जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन SSC पूछती रहती है किस राज्य की सीमा किसे नहीं मिलती है। और द फर्स्ट गवर्नर वाज CM त्रिवेदी, पहले जो गवर्नर बने थे 1953 से 57 तक CM त्रिवेदी बने थे, और पहले जो CM बने वो नीलम संजीव रेड्डी, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम दिया जरूर है लेकिन आपको परेशान नहीं होना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। कोका सुब्बाराव पहले चीफ जस्टिस थे, कह रहे एरिया कुछ गलत है, लग तो मुझे भी ये रहा है कि 275 स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, पॉपुलेशन लगभग 84 लाख या 8,45,80,077 है, इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। एनिमल क्या है इनका, स्टेट एनिमल ब्लैक बग है, यही ब्लैक बग हरियाणा और पंजाब का भी नेशनल स्टेट एनिमल है, ये आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से राज्य का ये है ब्लैक बग। साथियों बर्ड रोज रिंग्ड रामा चिलुका के नाम से भी जानते हैं, ट्री नीम है इनका, इनके लोकल में किस नाम से, बेप्पा चिट्टू के नाम से जानते हैं, लोकल लैंग्वेज में आपका तेलुगु लैंग्वेज में बेप्पा चिट्टू के नाम से जानते हैं। फ्लावर के रूप में किसे जानते हैं, जैस्मिन को जानते हैं। फिश के रूप में स्नैक हेड मोरल के रूप जानते हैं, और फ्रूट के रूप में इनके मैंगो के रूप में जानते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें, ये वाला तो याद करना पड़ेगा, ये हमने दो बार आपको देना है, एक तो एम्बलम वाले में दे दिया होगा और एक स्टेट टू स्टेट वाले में अलग अलग दे दिया है। तो ट्री इनका नीम हो गया, एनिमल ब्लैक बग हो गया, रोज हो गया, इधर जैस्मिन हो गया, स्नैक हेड मोरल हो गया, मैंगो हो गया। अब ये क्या क्या उत्पादित करते हैं, तो ये लगभग हर वो चीज उत्पादित करते हैं जो भारत में होता है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फेस्टिवल इनके पास कौन कौन से हैं, तो यहाँ से बहुत सारे हैं लेकिन हमने जो मेन मेन थे वो हमने लगभग बता दिए। उगड़ी है, रामनवमी है, महाशिवरात्रि है, तिरुपति ब्रह्मोत्सव है, ये खूब आता है। डांस इनके पास कौन सा है, तो डांस इनके पास कुचिपुड़ी है, बुट्टा बोमुला है, बीरा एट्टम है, लोम्बाडी है, दिपुला नृत्यम है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्राइब्स इनके पास कौन कौन से, अंध, बेगाता, भील,
चेंचू, चेंचवार, गदबास, गोंड, गोंड आप जानते हैं सबसे अधिक संख्या भारत में है, कहां पर? एमपी में, नायकपुर, राजगोंडा, गुड्डू। नेशनल पार्क इनके पास दो ही है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी रामेश्वरम में स्थित है। तो राजीव गांधी, महात्मा गांधी वहां पे था, राजीव गांधी यहां पर है, और श्री वेंकटेश्वर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनके पास कई सारे, पिपिकोंडा, चिरोंगा, कुल्लेरू, कृष्णा, गुंडेला, श्रीलंका मल सेवरम, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, कोडिनिया बेल्ट सेंचुरी, श्री पेनसुला। तो ये आपको याद करना पड़ेगा ये सारा का सारा आपको। फेमस एयरपोर्ट, यस, बेगम एयरपोर्ट हैदराबाद में, राजमुंद्री एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट और तिरुपति एयरपोर्ट। तो चार एयरपोर्ट इनके पास हैं, बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। रिवर के रूप में इनके पास कौन कौन सी? गोदावरी, गोदावरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा, साउथ गंगा के नाम से, या ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं। कावेरी को हम गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, और ये कहां से कहां तक जाती है हम पढ़ चुके हैं। कृष्णा भी यहां पर बहती है महाबलेश्वर से। डैम इनके पास नागार्जुन डैम है, सेसिलाम डैम है, पुलवरम डैम है, राजौली बंदा डैम है, जालापुट डैम एंड मालवरम डैम इनके पास है। लेक में इनके पास कोलेरू लेक, चुम्बुम लेक और पुलिकट लेक, ये सारे एग्जाम में आते रहते हैं कि कोलेरू लेक कहाँ पर है, पुलिकट लेक कहाँ पर है, कुमकुम कुंभम लेक कहाँ पर है। वाटरफॉल, तालाकोना वाटरफॉल, नागला, कृति, एपिथोला, नागार्जुन, कैलाश कोना, तो ये आपको याद रखना होगा। थर्मल पावर प्लांट, सिमदरी थर्मल नेशनल पार्क, श्री दामोदरम संजीवनी एनटीपीसी, इसको भारत के सबसे पुराने वाटर थर्मल पावर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन मतलब इनके वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में नागार्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, श्री वलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के रूप में जानते हैं। हालांकि इससे पुराना भी है, लेकिन इनके पास सबसे पुराने में यदि पूछा जाए सारे के सारे में, तो श्री सल्यम हाइड्रो पावर प्लांट के रूप में आप जानेंगे। जीआई टैग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आजकल, हालांकि मुश्किल है इतना याद कर पाना, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आपको दे दें। आपने जिम्मेदारी क्या करनी है? नए वाले कोशिश करना है याद करने का। चल, माउंटेन्स इनके पास कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। वेंकटेश्वर स्वामी, कनिकम टेम्पल मोनूमेंट्स के रूप में, तालकोना, विक्टोरिया, बारा केब, बोरा केब, आधुनिक फोर्ट, बुग्गा रामलिंगम स्वामी। टूरिस्ट अट्रैक्शन में अब जैसे ये पूछता है आरके बीच कहाँ पर है, यारदा बीच कहाँ पर है, ऋषिकोना बीच कहाँ पर है, बोरा केब कहाँ पर है, अकारू वैली कहाँ पर है, बुड्ढा पार्क कहाँ पर है, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट सेशन बनता है हमारे लिए। स्टेडियम इनके पास कौन कौन से? वाई एस राजशेखरम, विशाखापट्टनम, राजीव गांधी पोर्ट सिल्वरम जुबली, यस राजा रेड्डी स्टेडियम, तो बहुत सारे स्टेडियम भी इनके पास है। तो उम्मीद करता हूं कि एक बार आपको रिकॉल हो गया होगा। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कुछ हम सीख पाए। चलिए, जैसे हमने पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का पार्ट हुआ करता था, और पोट्टी श्री रामुल्लू ने, पोट्टी श्री रामुल्लू के भूख हड़ताल की वजह से, भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, सरकार को मजबूर होकर के 1 अक्टूबर 1953 में ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। तो 1 अक्टूबर 1953 है क्या? जवाब है कि हाँ है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानियां कितनी है? तभी हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिनका सब जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो कौन सा? विशाखापट्टनम। लेजिस्लेचर कौन सा है? अमरावती। और जुडिशियर कौन सा था? कुरनूल। तो कितने कैपिटल हो गए इनके पास? तीन हो गई। अब देखो, जैसे यहां पर आसानी से पूछ लिया कि लेजिस्लेचर कैपिटल कौन सा है, विधायिका कौन सा है, तो हमने कहा था कि
जनरली विधायिका से ही अनुमान लगाया जाता है कि कैपिटल किससे माना जाएगा, तो कहां पर है साथियों, अमरावती में, फॉरेस्ट एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश कवर व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट, आंध्र प्रदेश के पास उनके कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है, कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है ये आपको बताना होगा। तो कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया साथियों, 22.46%, लगभग 23% या लगभग 22% बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, अभी हमने सिखाया था कि ये, अभी आपने मैप देखा था, आपने देखा था कि इधर उड़ीसा, इधर साथियों तेलंगाना, इधर कर्नाटक और इधर मित्रों तमिलनाडु। तो 1, 2, 3 और 4, तो कहां पर 4 के साथ मिल रही है। ये अच्छा फिगर फोटो है, यहां पर देखो ये अपना आंध्र प्रदेश, ये अपना उड़ीसा, ये अपना महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र उस समय क्या मतलब, ये तेलंगाना है, ध्यान रखना तेलंगाना ढक लेता है छत्तीसगढ़, और ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु। हु वाज द कैपिटल ऑफ, हु वाज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो नाम था सीएम लेकिन थे गवर्नर, तो क्या था, सीएम त्रिवेदी, नेम वाज द सीएम त्रिवेदी वाज द नेम। वट वाज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश, अब देखो ट्री इनका आंध्र प्रदेश का क्या था, तो इनका ट्री था नीम, तो नीम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो गूगल ने खुद ही ट्रांसलेशन में उसी को उठा लिया है, तो आर्जेंटिका इंडिका, ये आपको याद रखना होगा। कौन सा पशु है जो पंजाब हरियाणा और आंध्र प्रदेश तीनों का स्टेट एनिमल है, तभी हमने पढ़ा था ब्लैक बग, काला हिरण। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्लावर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इनका फ्लावर क्या था अभी हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि इनका फ्लावर क्या कहते हैं, गुलाब, और उसका सॉरी जैस्मिन था, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, जैस्मिनियम ऑफिशियल। चल सलमान खान ने मारा था इनको, यस काले हिरण को सलमान खान ने मार दिया था, फिर उसकी बद्दुआ से आज तक शादी नहीं हो पाई उनकी। व्हाट इज द स्टेट फ्रूट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कुछ लोग शादी करके तलाक देते रहते हैं, कुछ लोग बिना शादी किए ही तलाक की जरूरत ही नहीं है। आंध्र प्रदेश का फ्रूट्स क्या था, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भारत का नेशनल फ्रूट है वही आंध्र प्रदेश का है, मैंगो। राम चिलुका इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है राम चिलुका को, अभी हमने पढ़ा था, रोज रिंग्ड पैरकिट, उसी से मेरे दिमाग में गुलाब आ गया था, रोज रिंग पार्किट के नाम से बर्ड था इनका। एज पर सेंसस 2011 टोटल पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये हमने पढ़ लिया था तो इसलिए हम करने की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, घबराना नहीं है। 84 लाख, 8 करोड़ 45 लाख 80,000। हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो हमने पढ़ा था 3 हैं, हैं तो बहुत सारे, लगभग 6 नेशनल पोर्ट है, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, तिरुपति एयरपोर्ट, तो ऑप्शन वाइज 3 है क्या, 3। चल कह रहे हैं कि मास्क लगा लो, ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चिंता करने के लिए। विच रिवर फ्लोज द आंध्र प्रदेश थ्रू द कर्नाटक, कौन सी नदी फ्लोज टू आंध्र प्रदेश थ्रू कर्नाटक, कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश को जाती है, कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी साथियों, ऑप्शन वाइज कृष्णा नदी, यही महाराष्ट्र बोल देता तो गोदावरी भी आ जाती,
श्री सैलम डैम, अब देखो ये जीके का क्वेश्चन बन गया, किस रिवर पर स्थित है ना? तो ये किस रिवर पर? कृष्णा रिवर पर स्थित है श्री सैलम डैम, कृष्णा नदी पर स्थित। विच वन इज नॉट द डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश? ऑप्शन चीख के करेंगे मैं ही हूं। आप जानते हैं कि ये तमिलनाडु में होने वाला क्लासिकल डांस है, एक ऑप्शन। अब देख लो, आठ ही क्लासिकल डांस पढ़ाया था, उसमें से एक ऑप्शन यहां पर दिया गया। कौन सा मित्रों, जल्दी बताइए, विच वन? दैट इज द भरतनाट्यम। तिरुपति ब्रह्मोत्सव इज द रीजनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तिरुपति ब्रह्मोत्सव किस राज्य का क्षेत्रीय त्योहार है? केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? बताओ तिरुपति ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश मनाया जाएगा। रामेश्वरम नेशनल पार्क ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज? रामेश्वरम नेशनल पार्क को और किस नाम से जानते हैं? अभी हमने पढ़ाया था, ब्रैकेट में वहां पर रामेश्वरम लिखा हुआ था, हमने कहा था महात्मा गांधी वहां पर है, राजीव गांधी यहां पर है। चल, विच इज द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाउ मेनी बर्ड सेंचुरी आर इन द आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कुल कितने वर्ड सेंचुरी है, कितने वर्ड सेंचुरी है? तो एक बार काउंट कर लेते हैं, ये हमारे पास बर्ड सेंचुरी है, 1, 2, 3, 4, 5, एक दूसरे पेज पे भी था, 6 है, वो पेज आया नहीं, आप थ्योरी में था। विच वन इज नोन एज द दक्षिण गंगा, है ना? एक दो क्वेश्चन बनता है, एक तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया और एक साउथ गंगा। अब ये देखो, ये हमने पढ़ा है कि गंगा है और इसी गंगा के पास गोदावरी और इसी में कावेरी, तो गंगा के साउथ में कौन है? गोदावरी है। और हमने पढ़ा था कि पहले पेनिनसुलर प्लेट बना था या पहले माउंट एवरेस्ट बना था, तो पहले पेनिनसुलर सबसे ओल्डेस्ट है, तो इसी को हम गंगा के साउथ में होने की वजह से साउथ गंगा भी कहते हैं इसे, और ओल्ड होने की वजह से, पहले बनने की वजह से इसे हम वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा भी कहते हैं। तो जब ये पूछा जाए ओल्ड गंगा या साउथ गंगा, तो क्या करना है, गोदावरी। लेकिन जब ये पूछा जाए कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया का मतलब जनरली इधर आ जाता है, तो ये कौन सा होगा, कावेरी, तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की गंगा तब कावेरी, दक्षिण गंगा साउथ गंगा तब साथियों गोदावरी। क्लियर है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, ओल्ड गंगा के नाम से किसे जानते हैं, गोदावरी को जानते हैं। चल ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ आंध्र प्रदेश? अभी हमने बताया था किससे किससे इनकी बाउंड्री मिलती है, तो हमने सीखा था कि इनकी बाउंड्री मिलती है उड़ीसा में नॉर्थ ईस्ट से, तेलंगाना में नॉर्थ से, कर्नाटक में साउथ वेस्ट कह लो, तो मध्य प्रदेश से मिलती है क्या? तो जवाब है नहीं। चल, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में रहते हैं। डांस फॉर्म सेलिब्रेटेड फॉर हार्वेस्टिंग इन आंध्र प्रदेश इज नोन एज? हार्वेस्ट फेस्टिवल के समय आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाने वाला डांस कौन सा है? तब इसमें से देख लो, ओडिशी कहाँ मनाते हैं, कथक कहाँ मनाते हैं, भरतनाट्यम कहाँ मनाते हैं, यदि वो भी पता है तो ऑटोमेटिक कुचिपुड़ी आप करने की स्थिति में होंगे। कथक और भरतनाट्यम और ओडिशी पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। पंचायती राज को आंध्र प्रदेश ने कब अपनाया था, तो थोड़ा समझना। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहला पंचायत चलता है नागौर राजस्थान में, लेकिन पूरे कंप्लीट आंध्र प्रदेश में, कंप्लीट आंध्र प्रदेश में पहला राज्य जिसने पूरी तरीके से अपने वहां पंचायत को लागू किया वो था 11 अक्टूबर 1959 को। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 1959,
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? तो हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश बना ही था तेलुगु के बेस पर, तेलुगु दो ऑप्शन में है तो वो हटा देते हैं, और उर्दू साउथ में हैदराबाद और ये सब पूरा मुस्लिम बाहुल एरिया है, साउथ की मूवीज देखते होंगे तो कई बार आता रहता है। तेलुगु और उर्दू, क्या सही बात है? क्या तेलुगु और उर्दू दे रहे हैं क्या? यदि हाँ तो सही बात है, इसके अलावा कुछ दे रहे हैं तो गलत है। तुमल पल्ले इज एन आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ, यस। ऐसा रिसर्च आ रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा यदि भारत में यूरेनियम मिल सकता है तो वो यहीं से मिल सकता है, अभी केरल में है लेकिन आने वाले टाइम में बता रहे हैं सबसे ज्यादा इस पार्टिकुलर जगह से मिल सकता है। तो किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कब अलग किया गया? तो 2 जून 2014 में, जाते जाते पिछली सरकार ने एक राज्य का निर्माण कर दिया, क्या पता इस दम पे भी जीत जाए। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स ऑफ आंध्र प्रदेश इज, आंध्र प्रदेश की संसद सीटों की संख्या कितनी है? एक दिन मुझे 5-7 मिनट का लगेगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा स्टेट का लोकसभा और राज्यसभा एक बार में याद हो जाए, ट्रिक से सिखा देंगे, क्योंकि लगभग हम मैप वही जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात की स्थिति कैसी है। तो मैं वहां पे सिखा पाऊंगा कि देखो राजस्थान बड़ा है फिर भी उसके पास सिर्फ 25 सीट है, लेकिन गुजरात छोटा है एरिया में फिर भी उसके पास 26 सीट है क्योंकि उसके पास जनसंख्या उससे ज्यादा है। तो आपको ऐसे ट्रिक वाइज याद हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में किसी से भी चलेंगे, इधर असम से शुरू करेंगे, एक दो करेंगे, या इधर मिजोरम चलेंगे तब भी, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं, अपने आप याद होते चले जाएंगे। कि आंध्र प्रदेश में कुल कितने हैं, तो कितने हैं साथियों? 25 है, राजस्थान के बराबर। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम सीख पाएंगे, तो जल्दी हम इसको आजकल में एक छोटा सा सेशन ला करके, क्योंकि आजकल ये एक पॉपुलर क्वेश्चन हो गया SSC का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर है? काकीनाडा, नेल्लोर, अंगोला, विजयनगरम। तो कौन से साथी हो? काकीनाडा। आपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ये मेरी प्रोफेशनल मजबूरी है कि मुझे इस स्टेट को पढ़ाना है तो थोड़ा डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन देने होंगे, लेकिन अब ये नहीं पूछेगा कि कौन सा, बाकी पूछने कुछ ही पूछ सकता है लेकिन ऐसे याद करना मुश्किल है कौन सा रिवर वाला सिटी है, कौन सा कहाँ है। पुल्लवरम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ये तो इम्पोर्टेंट है। पुल्लवरम परियोजना किस नदी पर है? तो साउथ गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी। रजौली बंदा डैम, रजौली बंदा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, रजौली बंदा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? रजौली बंदा डैम है ना, तो किस नदी पर साथियों? तुंगभद्रा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, CGL तक पूरा टॉपिक हो जाएगा, आप बोले आप सांस दें तो हो जाएगा। आप आए मेरे पास 3-3, 4-4 घंटे के लिए। कलेलु लेक इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। सिंपल सा इस क्वेश्चन का मतलब है, कलोरी किस प्रकार का झील है? फ्रेश वाटर, बैकरिस, आर्टिफिशियल, नन ऑफ दीज। तो कलोरी किस प्रकार का साथियों? फ्रेश वाटर लेक। वैसे भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है बताओ? तो पुलिकट लैगून इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लैगून इन इंडिया, इन आंध्र प्रदेश, आफ्टर विच है ना। सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है ये बताना है, क्योंकि ये कह रहे हैं दूसरे नंबर पे तो पुलिकट है ही, बताइए। बुलर यदि बोल रहे हैं तो ठीक है, और इस प्रश्न का जवाब क्या होगा साथियों? खारे पानी का चिल्का झील, गुड। हैदराबाद वॉज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय, हैदराबाद पहले राजधानी थी, हैदराबाद की जगह पर किसे राजधानी बना दिया गया? तो किसे राजधानी बना दिया गया साथियों? आंध्र प्रदेश के अमरावती को। रिसेंटली फॉर्म द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट, है ना, पहले 21 था, फिर 3 बनाया गया नॉर्थ ईस्ट में, फिर 1 बना दिया गया, तो कौन से नंबर का हो जाएगा साथियों? 25वां अमरावती, 25वां
सॉरी अमराती कर रहा हूँ, कुरनूल में। एसएससी सीजीएल निकल जाए उसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है सर, निकलेगा दोस्त। आपकी पहली शर्त है, दो बातें ध्यान रखिएगा। पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ रहे हैं वही आएगा एग्जाम में। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग की उसको लर्न करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कुछ भी या तो पढ़े नहीं, या तो ये पढ़े कि जो पढ़ रहा हूँ वही आएगा, ये नहीं कि पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं पढ़ने का मन करेगा, हर कुछ में संदेह रहेगा, पहला। और दूसरा, अभी खाना पीना सब भूल करके सिर्फ पढ़ने में फोकस करना, जी जान लगा देना है। 28-29 दिन है, अभी CHSL शुरू होगा तो फिर उसका ड्रामा शुरू होगा, मुश्किल से 20-22 दिन ही है आपके पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है। सोच के देखिए, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, सरावती नदी पर स्थित है। अब तो देख लीजिए, दैट इज द जोग फॉल्स, जोग जलप्रपात। चल, जोग को रिप्लेस करने वाला वाटरफॉल कौन सा हो गया? साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश में नहीं है? कुचिकल फॉल अभी सबसे हाईएस्ट हो गया है, कुचिकल, बताइए। कुचिकल फॉल इज शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है बताओ, ये तो बताना चाहिए आपको। बताइए साथियों, कौन सा? सेसा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अमरावती इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नई राजधानी बनी है तो कहां पे किस नदी के किनारे है ये आपको बताना चाहिए। अमरावती, बताइए जल्दी से। तो अमरावती किस नदी पर साथियों? कृष्णा रिवर पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। Which one is not situated in Andhra Pradesh? कौन सा आंध्र प्रदेश में नहीं है बताइए। हम आपको क्लू देते हैं, ये मेघालय में है। अब तो कर ही दीजिए, इट इज सिचुएटेड इन मेघालय। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, अच्छा तीन ही दिख रहा है यार। ओके 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 ओके, तो फिर तो गड़बड़ा ही जाएगा। यही चौथा ही आंसर है, बाल फाकरम नेशनल पार्क। बाल फाकरम नेशनल पार्क कहां पर? मेघालय में। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला कौन से नंबर का राज्य था? तो आप जानते हैं, अभी पढ़ाया था कि 1 अक्टूबर 1953 को पोट्टी श्रीरामुलु के प्रयासों से तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य था, जिसके बाद भारत के सभी राज्यों में ये डिमांड हो गई 1 अक्टूबर 1953 को। अराकू वैली इज हिल स्टेशन एंड वैली रीजन इन द साउथ ईस्टर्न स्टेट ऑफ। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अराकू एक टूरिस्ट स्पॉट है, किस राज्य में स्थित है? तो अभी आंध्र प्रदेश पढ़ रहे हैं तो याद ही रहेगा, अभी आसान है, जब कंप्लीट स्टेट में आएगा, पेपर में आएगा, तब ये दिक्कत हो जाएगा। विच वन इज नॉट सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश? कनेक्कम टेम्पल, तलाकोना टेम्पल, विक्टोरिया म्यूजियम, बराबर केव, या बिहार में है सुल्तानपुर में? अब तो बता दीजिए कहां पर, बताइए साथियों। बराबर केव, बराबर की गुफाएं। अब देखो, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ऑप्शन वाइज गलत लग रहा है, क्योंकि पहला जो हाइड्रो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट भारत में बना था वो 1897 में बना था दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, 1897 में दार्जिलिंग में। लेकिन हम मान लेते हैं कि इनका सबसे पुराना कौन सा है, तो इस ऑप्शन के वाइज सबसे पुराना कौन सा है? सिवन समुद्रम, अभी मैंने बताया भी था,
चल उगादी या युगादी ऑल्सो नोन एज द संवत्सरदी इज द न्यू ईयर डे ऑफ द विच स्टेट. यस, उगाड़ी किस स्टेट का त्योहार है, आ चुका है एसएससी में. तो उगाड़ी किस स्टेट में मनाया जाता है साथियों? तो इट इज सिचुएटेड सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश. न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन. तिरुपति बालाजी, आर छूट गया यहां पर, भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर. तिरुपति किसको कहते हैं हम? तो तिरुपति हम भगवान विष्णु के एक वेंकटेश्वर अवतार को कहते हैं, जो कलयुग में लोगों को बचाने के लिए जिनका जन्म हुआ था, उनके सम्मान में इस मंदिर की स्थापना की गई. इस मंदिर की स्थापना करने वाले लोगों में नरसिंह देव, वीरराग देव, रंगनाथम यादव, इन लोगों का नाम आता है. यहाँ पर जो शिलालेख लिखे गए हैं कन्नड़ में, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में लिखे गए, तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में दिया गया. मलयावरम डैम इज बुल्ट ओवर विच रिवर? मलयावरम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा, गोदावरी, पेन्ना, कृष्णा. तो यह याद रखना होगा आपको, पेन्ना रिवर पर बनाया गया. Which of the following is not located in the state of Andhra Pradesh? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? नल्ला मल्ला हिल, शेवरॉय हिल, तिरुमल्ला हिल, नन ऑफ द एबव. बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा साथियों? तिरुमल्ला हिल नहीं है. या मुझे लग रहा है क्या इसका जवाब सही है? क्या इसका जवाब सही है? क्या मुझे लग रहा है शिवराय हिल नहीं है, तिरुमला तो है. कहां पे है शिवराय बताएंगे? जल्दी बताइए. नॉर्थ ईस्ट में है. तो ये आपका ये टॉपिक था, ये खत्म हो गया. तो दो हमने खत्म कर दिया, आंध्र प्रदेश और कौन सा मित्रों? हमने आंध्र प्रदेश और अंडमान खत्म कर लिया है. अब एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश. यहां से भी काफी क्वेश्चन रहते हैं. अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट जो पहले असम का पार्ट हुआ करता था. दैट वाज नोन एज नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के नाम से बोल सकते हैं. बाद में इसे हमने अलग करके अरुणाचल प्रदेश स्टेट का निर्माण किया है. और पहले यूटी था, बाद में इसे स्टेट के रूप में बनाया गया. और इसकी राजधानी ईटानगर है और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है, यह ध्यान रखना है. इसकी राजधानी ईटानगर और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश. ईटानगर को हम किस नाम से जानते हैं? ईटानगर को हम लोग, अच्छा इस स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग स्टेट. और ईटानगर को लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन. सूर्योदय की भूमि के नाम से हम जानते हैं.
सबसे भारत में सबसे कम डेंसिटी वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। सिर्फ 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इनके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे विश्व नारायण सिंह, विश्व नारायण सिंह। एंड फर्स्ट सीएम वाज, पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो पी के थंगून थे। चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है। एरिया लगभग 32,333 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 83,743 स्क्वायर किलोमीटर है। और इनका जो फॉरेस्ट एरिया है लगभग 61.55% है। बॉर्डर लाइन इनका किससे किससे मिलता है? नागालैंड के साथ मिलता है, असम के साथ मिलता है। और इंटरनेशनल लेवल पे ये साथियों आपके म्यांमार से मिलते हैं, चाइना से मिलते हैं, भूटान से मिलते हैं, है ना? तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ। यहां पर दिया भी है भूटान, म्यांमार और तिब्बत का चाइना वाला हिस्सा या चाइना। फेस्टिवल इनके पास सबसे महत्वपूर्ण है पेक्का पागा हॉर्नबिल। इनका एनिमल मिथुन, बर्ड इनका ग्रेट हॉर्नबिल है और फ्लावर इनका फॉक्स टेल ऑर्चिड है। ट्री इनका होलोंग, मेन ट्री जो इनके पास होलोंग है। पॉपुलेशन की कोई जरूरत ऐसी है नहीं। क्रॉप्स इनके पास लगभग सारे कुछ उत्पादित करने, कॉर्न, मिलेट, बैक बकवीट, ऑयल सीड्स, पोटैटोज। रीजनल फेस्टिवल इनके पास लोसार आ चुका है आपके एग्जाम में, मोपिंग, सोलुंग, ये सब आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। डांस फॉर्म आपके इसमें से बहुत सारे, इडू मिसमी, वांचो, पुनुंग, खामती, भैया नुया, आजी लामू। ट्राइब्स इनके पास आदि, अबोर, ओका, नाइशी, तैगिन, अभी अभी आया था नाइशी, गालो, कंपति, बगून, मिशमी, मोम्बा, सिंगपो। फेमस एयरपोर्ट इनके पास ईटा नगर एयरपोर्ट है, तेजू एयरपोर्ट है, बसपासीघाट एयरपोर्ट है। नेशनल पार्क नामदा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डाइंग रिंग मेमोरियल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट, ईटानगर, काने, महाओ, फकुई, शेसा, ताले, यार्डी, ये सारे के सारे इनके हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा भारत में जो इंटर करती है वो अरुणाचल प्रदेश से ही इंटर करती है और वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसी के एक ट्रिब्यूटरी दिबांग है, जैसे यहाँ पे आ ही गया, द दिबांग इज द ट्रिब्यूटरी। लोहित रिवर इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। डैम कौन कौन सा? दिबांग डैम, दिबांग रिवर, अपर सियांग, सुबनसिरी, लोअर डैम, सुबनसिरी भी एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। लेक्स, गंगा लेक है। यूनेस्को में दो है यहां पर, नामदफा नेशनल पार्क और अपाती कल्चर लैंडस्केप के रूप से जाने जाते हैं। मोनूमेंट्स में हमें क्या क्या मिलेगा? मिलनी, मिलिंथन, तेम्बंग, गोल्डन पैगोडा आ चुका है, बिशारा मुंडा, बिशरा मुंडा या बिशरा मुंडा। टूरिस्ट अट्रैक्शन में बेजू फोर्ट, भीष्मा नगर फोर्ट और डेरिंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनके पास कौन सा है? दाक्षी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इनके पास। जीआई टैग में इनके पास अरुणाचल वकारो ऑरेंज है। तो ये कुछ बेसिक थे हमने, इसके आगे एमसीक्यू अब डिस्कस करना है। थोड़ा थोड़ा आपको क्लू लग जा रहा होगा किस तरीके से हमें पढ़ने की जरूरत है। ये सारा कुछ हमने आपको अवेलेबल करा रखा है। चलो आइए शुरू करते हैं। 1962 अरुणाचल प्रदेश वाज नोन एज द नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या एरिया, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्ट ऑफ। तो नेफा में क्या था? तो नेफा
असम था और असम का ही ये पार्ट हुआ करता था, असम। इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए स्टेट, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, कब इसे राज्य का दर्जा दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टेट इन 1972, 1972 में, सॉरी स्टेट बोल रहा हूं, यूटी के रूप में 87 में स्टेट बनेंगे, 1972 आएगा। इन 1987 अरुणाचल प्रदेश एस्टैब्लिश्ड एज अ विच नंबर ऑफ स्टेट, 24th स्टेट, 24वें राज्य के रूप में, हालांकि 87 में ही गोवा 25वें राज्य के रूप में बना था, ये 24वें राज्य के रूप में बना था। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो ये आसान है, मैचिंग के लिए आता है, इटानगर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अंग्रेजी, हिंदी, बोडो, संथाली। तो क्या पढ़ा था अभी हमने, ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश, अंग्रेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो हमने पढ़ा था कि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा बिहार में। Which state is the largest among the northeast state? Yes, ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ स्टेट में एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? पॉपुलेशन वाइज तो असम है, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में आकर के उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। विच कंट्री डिड नॉट शेयर द बॉर्डर विद द अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इधर तो भूटान हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, म्यांमार हो गया, तो किसके साथ नहीं कर रहा है? नेपाल के साथ नहीं कर रहा है। चले ये मैप भी है यहां पर, यदि आप देखेंगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश। विच कंट्री रेफर, नहीं अरुणाचल प्रदेश क्यों है वो? चाइना उसको अपना मनाने में लगा हुआ है जो मैंने कलर किया। विच कंट्री रेफर्स टू चाइना एज अ साउथ तिब्बत? चाइना कहता है कि हम तिब्बत हमारा ही पार्ट है और हम साउथ तिब्बत के रूप में डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द निक नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश को किस निक नेम से जाना था? अभी हमने बताया था, क्या नाम हम अरुणाचल प्रदेश को दे सकते हैं? व्हाट इज द नेम, क्या नाम दे सकते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि, इसकी राजधानी को भी यही कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज बिष्ट नारायण सिंह एंड द फर्स्ट सीएम वाज द राज्य पीके थुंगन। पहला गवर्नर हमने कहा बिष्ट नारायण सिंह थे और सीएम पीके थुंगन थे। स्टेटमेंट वन इज राइट, टू इज राइट, बोथ इज राइट, बोथ इज रॉन्ग। क्या है साथियों? बोथ इज राइट। विच हाई कोर्ट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश पर किस राज्य का न्यायिक क्षेत्र है? तो आप जानते हैं कि गुवाहाटी पहले सातों राज्यों को सर्विस दे रहा था, लेकिन अभी हमने 3 यूटी बना लिए तो अब गुवाहाटी में 4 राज्य का लीगल क्षेत्र बनता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये याद रखना है आपको। तो गुवाहाटी है, यस, गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट आप जानते हैं साथियों 1971 में बनाया गया था, 1971 में।
हाउ मेनी एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। 32333, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 25 है, ये भी कोई जरूरत नहीं है। ये मजबूरी है कि जब थोड़ा पढ़ा रहे थे थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज द वेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा देश है, तो कौन सा देश है साथियों पश्चिम में, भूटान। पक्के पागा हर्निवल इज द फेस्टिवल ऑफ, अभी हमने पढ़ा था, एक ही मात्र फेस्टिवल का नाम दिया था हमने पक्के पागा हर्निवल का, तो हम कौन सा स्टेट डिस्कस कर रहे हैं मित्रों, टू वी आर डिस्कसिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश, देन आंसर इज द अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनिमल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा भी बताया था हमने आपको, तो कौन सा था साथियों, मिथुन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, अभी पढ़ाया था आपको ग्रेट हार्निबल इज द बर्ड। देखें एक एक लाइन से पढ़ाने से इतना बढ़िया हो जा रहा है कि आपके दिमाग में छपा रहेगा, और मैं यकीन मानिए कि ये चीज खुद से पढ़ रहे हो तो याद नहीं हो रहा हो, जो लोग हमारे 45 डेज वाले प्लान में है ये सब कुछ है आपके पास, यदि नहीं याद हुआ हो तो रिकॉल हो गया होगा, और अगर जो रिकॉल हो गया तो हमेशा परमानेंट हो गया, यदि यहां से क्वेश्चन आए तो हम कर पाएंगे। शर्त यही है, ध्यान रखिएगा जो पढ़ रहे हैं वही आएगा बस, कहे सर ऐसे थोड़ी ना होगा तो मत पढ़िए। विच वन इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का फ्लावर क्या है, तो लेडी स्लीपर ऑर्चिड। चले सर क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्या साथियों, क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेडी स्लीपर देख लीजिए, ये फ्लावर आपका लेडी स्लीपर, ये ट्री आपका, एनिमल आपका मिथुन, बर्ड आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का वृक्ष कौन सा है, अभी हमने बताया था कौन सा ट्री था साथियों, होलोंग। होलोंग इज द ट्री, लेडी स्लीपर इज द फ्लावर, मिथुन इज द एनिमल, एंड बर्ड इज ग्रेट हर्निबल इज द बर्ड। वांचो इज द डांस फॉर्म ऑफ फ्लोइंग स्टेट, क्या ये अभी नहीं आया एग्जाम में, वांचो आ चुका, तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। विच डांस फॉर्म इज नॉट रिलेटेड विद अरुणाचल प्रदेश, कौन सा अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, तो आप देखिए हमने पढ़ाया है कि केरल से रिलेटेड है, कौन सा, कथकली। मिसमी ट्राइब इज फाउंड इन, मिसमी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ऐसे आंखें थोड़ी सी चिपटी चिपटी सी रहती है, तो कहां पे साथियों, अरुणाचल प्रदेश। विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, अंडमान में पाया जाएगा, अभी पढ़ाया था, बताओ कौन सा। तो कहां पे पाया जाएगा, अंडमान निकोबार में, ओंगोज। नामदफा नेशनल पार्क आ चुका कई बार एग्जाम में, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फाउंड इन, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पाया जाता है, तो अभी तो आपको पता है कि स्टेट अरुणाचल है तो आप कर ले रहे हो, लेकिन एग्जाम में याद करके रखना है, लिख करके अपना एक जगह, टेल वैली। अजी लामू इज द डांस फॉर्म ऑफ विच ट्राइब, अजी लामू इज द फोक डांस, अजी लामू एक जनजाति नृत्य है, कौन सी ट्राइब इस नृत्य को करती है, ये बताना है आपको, मुनपा ट्राइब, निसिंग ट्राइब, अपतानी ट्राइब एंड आदि ट्राइब, बताइए कौन सी ट्राइब साथियों, मोनपा ट्राइब, मोनपा जनजाति।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? हम आपको क्लू देते हैं, असम में है ये, असम में, बताइए कौन सा। तो कौन सा साथियों? बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बर्नाडी कहां? असम में। बर्नाडी एक नदी है वहां पर, उसी के नाम पर ये दिया गया है नाम। कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश? सुबनसिरी, नर्मदा, ताप्ती, तीस्ता। तो अभी हमने पढ़ा था सुबनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाने का काम किसका है, किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आपको पढ़ाया था जब अरुणाचल ये म्यांमार पढ़ाया था तब भी, और जब माउंटेन रेंज पढ़ा रहे थे तब भी। तो कौन सा था साथियों? पटकाई बूम, याद करो पटकाई बूम, जयंतिया हिल, जास्कर, कराकोरम, अरावली, बिंद, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? आप जानते हैं कि चापरकूट कहां मनाते हैं हम? मिजोरम में। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। और हंड्रेड ड्रम ये कौन सा राज्य मनाया जाता है फसल उत्सव में? मेघालय मनाता है। तो बच कौन सा गया मित्रों? बारीयुट या बुरीबुट, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है क्या था साथियों? ठीक। विच ब्रिज कनेक्ट डिब्रूगढ़ इन असम टू दिसी घाट इन अरुणाचल प्रदेश? यस, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? बेहतरीन क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जोड़ने के लिए किस पुल का यूज किया जा रहा है? तो किसका साथियों? बोगीबिल, बोगीबिल पुल का। विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द तिब्बत एंड इंटर्स इन इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश? अभी बताया था कि तिब्बत से निकलती है, इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया में जब प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ये हमने कई बार पढ़ा है, ये आपका ब्रह्मपुत्र जब ओरिजिन होती तिब्बत में तो किस नाम से? सांगपो के नाम से। चाइना में आती है तो यारलुंग जांगपो के नाम से। इंडिया में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। बांग्लादेश में जब जाती है जमुना के नाम से। इस तरीके से हम इसको जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज द डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? खामटी, चिराकी, लेजिम, मैका। बताइए कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? खामटी, चिराकी, खतरनाक क्वेश्चन है, खामटी। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ अरुणाचल प्रदेश। दीक्षी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दीक्षी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से याद करेंगे क्वेश्चन वाइज तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? दिहांग, केमांग, लोहित। बताइए कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो हमने पढ़ा है ये टॉपिक, याद करिए। तिस्ता, संकोश, मामस, सुबनश्री, दिहांग, लोहित, है ना, धनश्री, सुबनश्री, सब पढ़ा रखा है। यदि आपका रिवर टॉपिक नहीं हुआ है तो आप डिमांड कर सकते हैं, हम आपको दोबारा भी पढ़ा देंगे। दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। धौला सादिया ब्रिज हैज बीन बुल्ट ओवर विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र? धौला सादिया पुल ब्रह्मपुत्र के सहायक, किस सहायक नदी पर बनाया जा रहा है? किस सहायक नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस सहायक नदी पर साथियों? लोहित पर, लोहित रिवर पर। देखो यह अच्छा क्वेश्चन है। गंगा लेक या गेकर सिंह लेक कहां पर है?
कोई सोच भी नहीं सकता कि गंगा लेक अरुणाचल प्रदेश में होगा, है ना? Which national park among the following is the largest protected area in eastern Himalayan sub region? Yes, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर fact जानना होगा कि हिमालयन के सब रीजन क्षेत्र में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। आपका दिमाग क्या कहेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन है कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का। द गोल्डन पैगोडा ऑफ नामसाई ऑल्सो नोन एज द कुमकुम खाम इन द ताई खात्मी लैंग्वेज। यस, नसाई का गोल्डन पैगोडा जिसे ताई खात्मी भाषा में कुमकुम खाम भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बर्मी शैली का बौद्ध स्तूप है, इसे कब शुरू किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन, आ चुका है आपके एसएससी में। नामसाई गोल्डन पैगोडा, इट वाज स्टार्टेड इन 2010। तो हमें यह तो जरूरत नहीं है कब शुरू किया गया, हालांकि आया हुआ क्वेश्चन नहीं है एज इट इज, लेकिन कहां पर है यह जानना है, किससे रिलेटेड है यह जानना है। अब है भीष्मक नगर इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडियन स्टेट ऑफ। भीष्मक नगर भारतीय राज्य में एक पुरातत्व स्थल है, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो भीष्मक नगर हम अरुणाचल पढ़े तो अरुणाचल में ही होगा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो हमने तीन स्टेट आपके साथ डिस्कस कर दिए, अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। यदि सांस दें तो एक और डिस्कस कर दें और नहीं तो कल कर दें, यदि ज्यादा हो गया हो तो कल कर देंगे, और साथ देने का हिम्मत रखते हो तो एक और करा देते हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं, है ना? ऐसा लोग अपने चाहने वाले को कहा करते हैं। बताइए, करा दें क्या? क्या कहते हैं? नहीं सर, मत कराइए, हम परेशान हुए सर, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, एक एक दिन में डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे करेगा, दिमाग में बैठेगा कैसे सर? लेकिन अभी बेटा टाइम नहीं है। तो क्या कहते हैं सर? स्टैटिक जीके के बैच में भी सभी स्टेट वाइज जीके के पीडीएफ उपलब्ध करा दें। कितनी बार बोलूँ आपसे, बस आपने आदेश दे दिया, करा देंगे। सर इस पीडीएफ को डाल दिया करिए रिवीजन के लिए, आज ही सर, कंटिन्यू सर। ओके जी सर, रिवर का दे दिए सर, प्लीज पीडीएफ डाल दिया करिए, पक्का पक्का, ओके। तो मित्रों, असम जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है, और साथियों इसकी राजधानी दिसपुर है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज है, आसामीज, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई, 26 जनवरी 1950 की स्थापना मानी जाती है। ये काफी फेमस है, क्यों? इट इज फेमस फॉर डिगबोई सिटी ऑफ असम वेयर द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। आप बचपन से पढ़ते आएंगे पहला ऑयल रिफाइनरी भारत में कहां बनाया गया, तो आप बोलते हैं कि डिगबोई में बनाया गया, बल्कि पूरे एशिया में ही है। असम इज फेमस फॉर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बम्बूज, बांस का उत्पादन सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन है। इसे किस किस निक नेम से जाना जाता है? डिब्रूगढ़ को सिटी ऑफ टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं, गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं, तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपको जीके के पॉइंट व्यू से। और इनका पॉपुलेशन लगभग 31 लाख या 3 करोड़ 12 लाख 5000 इतना है, 3 करोड़ के आसपास इनकी आबादी है। फर्स्ट गवर्नर इनके जो बने थे वो श्री अकबर हैदरी थे, और फर्स्ट सीएम जो इनके बनाए गए थे मौलवी सैयद श्री मोहम्मद सादुल्ला, और फर्स्ट चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है। क्रॉप्स इनके पास सारे के सारे हैं, मेन ये टी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे, याद रखना है। इनका जो ट्री है वो होलोंग है, इनका भी ट्री जैसे उसका भी होलोंग ही था,
इसका भी ट्री होलोंग है, याद रहेगा ये दोनों का, अरुणाचल प्रदेश और असम का। फ्लावर इनका कोपोउ फूल है, कोपोउ। एनिमल इनका वन हॉर्न राइनोज, एक सिंग वाला गेंडा है, और इनका बर्ड है व्हाइट विंग वुड डक, है ना, व्हाइट विंग्ड वुड डक है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा, क्योंकि अभी इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर मुझे देंगे। इनका एरिया लगभग 30,265 स्क्वायर मील या 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पास है। इनके पास फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, 34% है लगभग। बॉर्डर किससे किससे इनका मिलता है, अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, नागालैंड से मिलता है, मणिपुर से मिलता है, मिजोरम से मिलता है, त्रिपुरा से मिलता है, मेघालय से मिलता है, वेस्ट बंगाल से मिलता है, लगभग सभी राज्यों से इनका यू स्टेट में मिल ही रहा है। और इंटरनेशनल बॉर्डर इनके साथ किसके साथ मिल रहा है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ इनका बॉर्डर मिलता है। और इनका जीआई टैग मूंगा सिल्क आ चुका है, तेजपुर लीची एग्जाम में आ चुका है, बोका चावल आ चुका है, जोहा राइस। तो ये देखो इनका जीआई टैग कितना इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। इनका फेस्टिवल भी काफी पूछा गया है, बिहू बार बार पूछा ही जाता है, अंबुबाची आ चुका है, एलिफेंट फेस्टिवल आ चुका है आपके टीसीएस वाले में, पहली बार 2018 में जब हुआ था पेपर तब आया था ये, ब्रह्मपुत्रा बीच फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल, अगुसी फेस्टिवल, बैकगो कल के पेपर में था ये, मीम धूम मीफी जिसको मैंने कहा था कि मम्मी दादा बुआ फूफा सब है इसमें, ये वाला ट्रिक हमने यूज किया था। डांस फॉर्म सतारिया क्लासिकल डांस है, भवना ओजापाली बिहू झूमर नाच धोगी गुमराग धुलिया भवारिया भुरतल नृत्य, ये सारे के सारे आते रहते हैं। ट्राइब्स ये भी भूगम्बा भी आ चुका है, भूगरुम्बा डांस है ये, बोरो मीरी मिकिर राबा कचरी लेलुंग डिमसा देओर आर ट्राइब्स। और नेशनल पार्क में डिब्रू काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। वर्ल्ड सेंचुरी में देपोर बिल, पिंडी धिंग वर्ल्ड सेंचुरी, बार्डो बीमा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आमचंग बैरली बारनाडी और बारजन भोजान, ये सारे के सारे इतने हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगा, आपने रट लेना है। यूनेस्को में कौन कौन से इनके पास, काजीरंगा भी है और मानस भी है, और फेमस स्टेडियम में बारस पारा स्टेडियम, डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम आ चुका है ये गुवाहाटी में है, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम जोरहाट स्टेडियम आ चुका है, नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी, सतेंद्रा मोहन देव स्टेडियम मोनूमेंट्स में बरवादरी ईस्ट वाल सिंह दरवाजा टेम्पल ऑफ रानचांदी एंड द 782 स्मॉल टेम्पल्स, शान मंदिर, घनश्याम हाउस, बरदोल टेम्पल और पिलर ऑन द उर्वशी आइलैंड इन गुवाहाटी। टूरिस्ट अट्रैक्शन में ये सारे की सारी चीजें हैं। रिवर्स में सुबनश्री लोहित दिहांग कोपिल दोलनश्री बराक केमंग, ये सारे के सारे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। लेक्स हैफलोंग लेक दिहिंग लेक, देख लो कितने ज्यादा फैक्ट है, मतलब आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको लग सकता है इतना ज्यादा लेकिन आप ध्यान से देखो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। काज कोचांग आ चुका, छनबुदी नोकलाई नोका लिकाई आया हुआ है, शिवेंदु का थर्मल पावर प्लांट, नामपुर थर्मल पावर प्लांट, लाकवा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो काबिर लुंगपी और मेत्रिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कुछ थियरी वाला था, हमने लगभग डिस्कस कर दिया है, अब हम इस पर एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक क्लियर होगा। चल असम का प्राचीन नाम क्या है, आप कई बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन एंशियंट टाइम असम वाज नोन एज कामरूप,
इन द मिडवल हिस्ट्री असम पाइक वेयर, मध्यकालीन इतिहास में असम में जो पाइक लोग पाए जाते थे वो क्या थे? तो पाइक कौन थे साथियों? फोर्स्ट लेबर, फ्री लेबर, मजदूर जिनसे बेगारी कराई जाती थी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? तो अभी हमने पढ़ा था, आप सबको पता होगा कैपिटल ऑफ असम इज द दिसपुर। असम कब बना था? तो अभी हमने पढ़ा था 26 जनवरी 1950 को असम की स्थापना की गई थी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को असम को बनाया गया था। फर्स्ट सिटी या फर्स्ट प्लेस टू रिजर्व वाटर रिजर्व डिस्कवर्ड, तो कहां पर साथियों? डिगबोई। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बम्बूज, बांस का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य? असम। व्हाट इज द रजिस्टर्ड जीआई ऑफ असम? असम का रजिस्टर्ड जीआई टैग क्या है? तो अभी हमने सीखा था मुगा सिल्क इज द रजिस्टर्ड जीआई टैग ऑफ असम। विच सिटी इज नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया? अभी हमने पढ़ाया था भारत का चाय का शहर किसे कहते हैं, तो असम का डिब्रूगढ़ इज नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया। Which of the following is the world largest river island is located in Brahmaputra river, है ना? ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में माजुली द्वीप। जीके में ऐसा बोलते हैं कि सबसे बड़ा आइलैंड है लेकिन कटाव इतना हो गया कि बचा उचा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम किसी को पढ़ा दोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि ये सबसे बड़ा है तो बुरा मान जाएगा, लेकिन हमारे इंडिया के लिए चलेगा। Which city is known as the city of blood? अभी हमने पढ़ा था तेजपुर, मूवी में तो तेजपुर में तेजाब मार रहे थे आंखों में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और बताया कि कौन सा सही है। फर्स्ट गवर्नर वाज अकबर हैदरी, सही बात है, पहला गवर्नर अकबर हैदरी थे। दूसरा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मालवी सैयद सर मोहम्मद साबदुल्ला, दोनों के दोनों राइट है। इन विच ईयर असम एकॉर्ड वॉर साइन? असम जो समझौता, नागरिक समझौता, भारत का पहला राज्य है असम जहां पर एनआरसी साइन हुआ था, तो एकॉर्ड जो भारत समझौता हुआ था वो कब हुआ था भारत और असम के बीच में, जिसमें था कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग भारत में आए असम आए वही असम के नागरिक माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। तो फर्स्ट कब हुआ था ये समझौता साथियों? 1985 में। एनआरसी जब पढ़ाए तो थोड़ा बहुत इस पर बात हुई है, और नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, कहीं मौका मिलेगा जिंदगी में तो पढ़ा लेंगे। नेशनल पर फेस्टिवल ऑफ असम है ना, असम का ऐसा फेस्टिवल जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है, बिहू। असम वेस्ट में किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? वेस्ट साइड में बताना है, बताओ वेस्ट साइड में किसके साथ, जल्दी किसके साथ? बांग्लादेश। देखो ये असम, ये बांग्लादेश, तो किसके वेस्ट में? बांग्लादेश के। असम किसके किसके साथ? देखो यहां वेस्ट बंगाल के साथ, मेघालय के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ ये शेयर करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी के साथ हुई। व्हाट इज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ असम? असम का जलीय पशु क्या है? ये हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आपको याद करना चाहिए। जलीय पशु क्या है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिव रिडली टर्टल, घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन, है ना? तो पूरे देश का ही गंगेटिक डॉल्फिन हुआ हुआ है। हालांकि मान लो यहां पर ब्रह्मपुत्रा डॉल्फिन होता तो वो अच्छा आंसर होता। पोवा मेका इज असम इज टोम ऑफ, पोवा मेका एक मकबरा है, किसका है? तो इज द टोम ऑफ
शेख सलीम चिश्ती, एक अच्छा क्वेश्चन है, सेम चलिए, चिश्ती का मकबरा पुआ मक्का कहां पर है? असम में. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज बिलोंग टू असम, देखिए कौन सा असम से संबंधित है. तो आप जानते हैं बोडो, यहां से असम से. असम का रजिस्टर्ड जीआई टैग क्या है? तो कौन सा साथियों? बोकाचोल. चले, असम राइफल वाज अर्लियर नोन एज, असम राइफल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो असम राइफल वाज अर्लियर नोन एज द कछार लेवी. कछार लेवी के नाम से जानते थे. कितना बोरिंग है ना, तुम लोग को भी लगता होगा, मेरे लिए तो है ही, लेकिन मजबूरी है, प्रोफेशनली आ रहे हैं क्वेश्चन. अब मैं माहौल बनाऊं कि ये हाथी ऐसे चलती है और ये वहां पर ऐसे लोग आते हैं और ये टूरिस्ट होता है, तो सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन उसका भी एग्जाम से कोई संबंध नहीं. तो इसलिए मानस किसके लिए फेमस है? तो आपके दिमाग में क्या आएगा? टाइगर्स, तो आपका सही है. हाथी आ रहा है तो गलत है. हालांकि बाघ भी है वहां पर, गैंडा भी है, हाथी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है पे वहां पर? बाघ है. अंग्रेजों द्वारा असम को बंगाल से कब अलग किया गया? है ना, अंग्रेजों ने बंगाल को से असम को पहले अलग कर दिया, तो 1864 में ही अलग कर दिया था, 1864 में. एक मिनट, 1884, सॉरी 1884 में. विच ट्राइब इज नॉट रिलेटेड विथ असम, निम्नलिखित कौन सी जनजाति असम से नहीं संबंधित? हम आपको क्लू देते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से. अभी बताओ, अभी पढ़ाया था हमने, कहा था इनकी आंखें चिपटी होती हैं. कौन से साथियों? नाइशी. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डू नॉट बिलोंग टू द असम, निम्नलिखित कौन सा त्यौहार असम से संबंधित नहीं है? अंबुबाची, ड्री, माजुली, बिहू, ये तो कर सकते हो. हम आपको क्लू देते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है. तो कौन सा साथी हो? ड्री. ड्री बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं. अभी देखो, ये पढ़ा था कल, एग्जाम में आया भी था ये, है ना. मी दुम मी फी, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को यदि आपने अच्छे से कर लिया तो आपके फेस्टिवल, ट्राइब, डांस, तो आपके लगभग क्वेश्चन तैयार हो गए. मी दू मी फी इज द डांस फॉर्म ऑफ, तो कहां पे साथियों? मम्मी, दादी, फूफा, फूफी डांस, कहां पर? असम में. सतारिया इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, आठ डांस पढ़ाए थे हमने, उसमें से एक सतारिया था, असम में मनाया जाता था. काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा किसके लिए? एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है, राइनोस के लिए. हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया असम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स, हमने क्या कहा था? सेवन सिस्टर हैं, तो सेवन सिस्टर में वो तो मिल ही रहे हैं, छह के छह, और एक आपका वेस्ट बंगाल भी मिल रहा है, तो सात हो गए. डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, अब डिब्रू कहाँ है? तो आप वैसे भी कर लोगे, सिखोवा असम. विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्शन मेक्स बराक वैली इन असम फेमस, कौन सी रचना असम की बराक घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो असम का बराक वैली किस चीज के लिए फेमस है? दैट इज टी कल्टीवेशन, चाय की खेती के लिए, सबसे ज्यादा चाय प्रोडक्शन एरिया यही है वहां पर. राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, अभी पढ़ लिया था, कहां पर साथियों? राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क इन असम, सिचुएटेड इन असम. मैं सोच के तो आया था कि छह स्टेट करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लास्ट स्टेट रखूंगा, कल के लिए ड्यू रखूंगा आपका, है ना. असम में कितने रामसर साइट हैं? हमने आपको रामसर साइट्स पढ़ाए हैं और हमने दिखाए थे कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ तीन ही रामसर साइट्स हैं, है ना, जिसमें से दीपोर बिल, असम में है एकमात्र. इसके अलावा साथियों, लोकटक लेक मणिपुर में,
लोकटक रेक झील, कितने रामसर साइट है बताओ, मैंने पढ़ाया आपको जस्ट अभी कुछ दिन पहले, बताइए जल्दी से रामसर साइट स्कूल कितने हैं मणिपुर में। और रुद्र सागर कहाँ साथियों, रुद्रा सागर त्रिपुरा, बताइए जल्दी से, यदि 42 बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। तो हमने कहा दीपोर बेल कहां पर, असम, मणिपुर में लोकटक और रुद्र सागर त्रिपुरा में। अब जैसे आई गया कि दीपोर बिल कहां पर है या असम का कौन सा एकमात्र है, तो कौन सा, दीपोर बिल, लोकटक मणिपुर में, रुद्र सागर अभी आपने देख ही लिया। चलो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नियर द बॉर्डर विद द विच कंट्री, मानस जो है वो कहां पर है साथियों, असम में, लेकिन वो किस देश के साथ बॉर्डर पे सिचुएटेड है, भूटान के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड सेंचुरी असम है, नामरी बिल्कुल है, पिंडी डिंग है, बारदोबीम है, तो ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी असम में ही है। कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द गुवाहाटी सिटी इन असम, कामाख्या टेम्पल कहां पर है, असम में, असम के किस पहाड़ी पर, तो आपको क्या लगेगा, गारो खासी जयंतिया, कहां पर है ये तो आपको पता है, मेघालय, तो ये तो होंगे नहीं, तो बच कौन सा गया, नीलांचल हिल, तो कौन सा साथियों, नीलांचल, यदि नीलांचल बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, दिहांग कहां पे, तो असम में, तो असम में, असम में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, हाउ मेनी नेशनल पार्क इन असम, तो कितने हैं साथियों, 7 नेशनल पार्क असम में है, एक बार देख लीजिए कहां कहां, अभी हमने बताए थे, 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 है ऑप्शन में, हाँ 5 है, 5 ही करिए, 1 2 3 4 5 करिए, ये ब्लंडर हो रहा है, 5 5 5 5 5 5। चल इस लिस्ट वाइज 5 है, कोई नया जुड़ गया हो तो अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनेस्को वर्ल्ड लाइफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंचुरी सिचुएटेड इन असम, तो कौन सा साथियों, नहीं सर 7 न्यू वाले हैं, 2 न्यू हैं ऐसा बोल रहे हैं, पक्का, चले फिर साथियों इसको ठीक कर लेंगे, 7 कर लेंगे, सॉरी 7 ही कर लेंगे, आंसर की में भी 7 ही दिया हुआ है। तो कौन सा यूनेस्को में, काजीरंगा, इतना कुछ पढ़ने के लिए है ना, इतना कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इज लोकेटेड इन असम, निम्नलिखित में से कौन सा असम में, जोरहाट, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स, वासपारा, सारे के सारे असम में। विच ब्रिज कनेक्ट डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश, अभी ये क्वेश्चन आया था और हमने पढ़ा था असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला, तब हमने वहां अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा था, अब असम वाले में पढ़ने, तो क्या था, बोगी बिल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री विथ असम, निम्नलिखित में से कौन असम के बाउंड्री के साथ मैच नहीं करता है, तो हमने पढ़ा था कि 6 तो वो और एक वेस्ट बंगाल, सिक्किम नहीं करता है, देख लो मैप, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कितने राज्यों को अपनी सेवा दे रहा है, तो हमने पढ़ा था कि 4 को, किसको किसको साथियों, असम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को और मिजोरम को, असम को, अरुणाचल प्रदेश को, असम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को और मिजोरम को, तो किसको नहीं दे रहा है साथियों, जल्दी बताइए, त्रिपुरा को नहीं दे रहा है, गुड,
गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, है ना, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? अभी पढ़े थे हम गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल पोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई, सिंघा दरवाजा इज सिचुएटेड इन, या सिंह दरवाजा किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है, तो सिंह दरवाजा कहां पर? असम। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन असम, निम्नलिखित में से कौन सा झील असम में नहीं है, आंध्रा प्रदेश में है? अब तो बता दीजिए कौन से साथियों? कोलेरू लेक। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन असम? आकाश गंगा, कोकचंग और घन दुब्बी, तो ऑल आर सिचुएटेड इन असम। एक मिनट एक मिनट, ये तो ये दे रहे हैं। एक मिनट साथियों, चेक करना हो इसको, यदि मैं अभी ड्यू रखूं, चले दो ही क्वेश्चन है, चेक कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है फिर एवर चेक करेंगे। मोयदम अहोम इज द माउंट ब्यूरल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। यस, अहोम लोग कहाँ शासन करते थे, इस बार का एसएससी का क्वेश्चन भी था, तो इनके लोगों को दफनाने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये हम जानते हैं मोयदम, तो ये कहाँ पर है? ये असम में है। तो एक बार हम वो क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो मुझे लग रहा है आंसर गलत दिया हुआ है, वाटरफॉल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये हमने कवर कर दिया है। बस आप मुझे ये बताएं कि क्या हम लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ क्या? यदि हाँ तो हम कल भी इसको करेंगे, और नहीं तो हम कुछ और डिस्कस करेंगे। मुझे आप 5 से 6 क्लास दे देंगे यदि, तो हम असम असम स्टेट स्टेट का लगभग 300 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन कर देंगे, और यकीन मानिए उसी में से क्वेश्चन आएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने कुछ माहौल बनाने के बजाय, कुछ इधर उधर घुमाने के बजाय, हमने टू द पॉइंट काम के पॉइंट आपको बताए हैं। इसकी PDF अगले 10 मिनट में आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, क्या नाम है साथियों? श्योर शॉट, और अनअकैडमी पर छूट के लिए आप ये श्योर शॉट यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा। ये टेलीग्राम है, और कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, फ़ायदा हो रहा होगा। बहुत टफ भी है मेरे लिए, गुरुकुल भी शुरू हो चुका है, बच्चों के एग्ज़ाम भी आ गए हैं, तो बहुत सारे काम रहते हैं, डेली असाइनमेंट भी अपडेट कराना रहता है, कई बार एरर भी आ जाते हैं, तो उस पर भी जूझना पड़ता है। मैं तो असम से हूँ, सारे क्वेश्चन सही हुए, ओके थैंक यू। नेक्स्ट टॉपर का इंटरव्यू कब? नेक्स्ट टॉपर का इंटरव्यू जल्दी करेंगे, अभी थोड़ा एग्जाम के बीच में रखें, रोकेंगे टॉपर्स के इंटरव्यू को, फिर उसके बाद लगातार हर वीक अपने गुरुकुल में बुलाते रहते हैं टॉपर्स को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो उस बीच में आपको फिर मुलाकात करवा दिया करेंगे। तो आप सब खूब जम करके मेहनत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने लाइफ का भी बेस्ट दीजिए, जितना आप बेस्ट दे सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि फायदा हो रहा है, गुड नाइट, शुक्रिया आप सबको, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, जय हिंद।